मेजबानी। दो बहुओं के रिश्तों की है ये अनमोल कहानी, तेरी मेरी इसकी उसकी सबकी ये जुबानी। दो बहुओं के रिश्तों की है ये अनमोल कहानी। देवरानी हो जेठानी, हो देवरानी हो जेठानी, देवरानी हो जेठानी। रोज रोज एक नया बखेड़ा करने में ये माहिर, एक दूजे की कमियां पल में कर देती है जाहिर। रोज रोज एक नया बखेड़ा करने में ये माहिर, एक दूजे की कमियां पल में कर देती है जाहिर। बड़ी बहू सीधी साधी है, छोटी है सयानी, एक दूजे पे रौब जमाए करती है मनमानी। देवरानी हो जेठानी, हो देवरानी हो जेठानी, देवरानी हो जेठानी। हाँ तू ना राहुल के चक्कर में अपना टाइम और टैलेंट दोनों बर्बाद कर रही हो, प्लीज मत करो ऐसा। अच्छा एक बात बताओ, अरे बाप बताओ कि तुम नेक्स्ट टाइम कहाँ मिल रही हो? जहन्नुम में। ओह डन। दुम हो तुम दुम। क्या कहा तुमने? धूम? मतलब कि धूम का ऋतिक रोशन? तुम देखना शिल्पा, मैं धूम का ऋतिक रोशन बनकर दिखाऊंगा। रामा बेटा, तूने घर पर किसी लड़की को बुलाया था क्या? माँ कैसी बातें कर रही हो तुम? अपनी अर्जेंट मीटिंग खत्म करने के बाद मैं आप लोगों के पीछे रिसॉर्ट गया, आप लोगों को वहां ढूंढ रहा था, और आप लोग ऐसी बातें कर रहे कि मैं यहां इस घर में लड़की को लेकर आया। पर कुछ भी कहो मामा, तुम्हें जैसा देखा बहुत मजा आ गया। क्या मतलब, हमको समझा नहीं मिक्की? अरे मामा, तुम और वो लड़की मस्त सजते हो। क्या बात करता है? सच मामा, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप उस लड़की के साथ शादी बना डालो। देखिए आप, सोच तो हम भी कुछ ऐसा ही रहे हैं। तो चलो ठीक है, मैं अपनी मम्मी को जाकर बता देता हूँ। हाँ जा बता दो। अबे मरवाया, अबे रुक मरवाया था। कहाँ फंस गया चक्कर में? जब से शहर में आई सब गड़बड़ गड़बड़ होता है सबसे। अब पक्का दीदी मारेंगे हमको। लड़की चक्कर ये सब क्या हो रहा है? चचा जान, आपको सिर्फ यही जगह मिली थी पूरे गार्डन में बैठने के लिए? और तुमको पूरे गार्डन में यही जगह मिली थी बैठने के लिए? चचा जान माफ करिएगा, इतनी देर से आपका लिहाज कर रही हूँ। लिहाज कर रही हो? तुम हो कौन? मैं तो यहाँ पे गोपाल का इंतजार कर रही थी। गोपाल? गोपाल को कब से जानती हो? हम क्लासमेट हैं।
वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम उसके चक्कर में क्यों पड़ी हो? मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं है। मुझे सब मालूम है। क्या अब है कौन? मैं उसका मामा हूँ, मामा कंस मामा। मेरे पास करोड़ों रुपया है, मेरी बनोगी तो करोड़ों में खेलोगी। कुछ शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? और आप कितनी गलत बातें कर रहे हैं। क्यों? अरे भाई, इसमें शर्म की कौन सी बात है, जब इतनी शोर हसीना सामने हो तो। हे भगवान, आप अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ इस तरह बदतमीजी कर रहे हैं। देखो, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे उम्र का हूँ। मेरे साथ चलो। ए बुढ़े, अर्थी पे जाने की उम्र है तेरी और डोली सजाने की बात कर रहा है। वैसे गोपाल में सिर्फ एक ही कमी है। क्या कमी है? क्या कमी गोपाल में? उसके अंदर ये जो फिल्मी कीड़ा है ना, मैं शादी के बाद उस कीड़े को एकदम मार डालूंगी। ये फिल्मी कीड़ा मरने के बाद ऊपर जाकर ही खत्म होता है, और फिर तुम उसके इंतजार में क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रही हो? मेरी बाहों में आ जाओ चरेमन, मेरी बाहों में आ जाओ, मेरी बाहों में आ जाओ चरेमन। कब से बर्दाश्त किए जा रही हूँ और तुम अपनी नीचता की हद पार किए जा रहे हो। Hey, पिंकी, तुम तो जानती हो कि मुझे बचपन से ही एक्टिंग का शौक है, लेकिन जब मेरा मन करता है एक्टिंग करने का तो मैं ऐसे ही एक्टिंग करता हूँ। तुम ये नाटक करना कब छोड़ोगे? अच्छा ये बताओ, तुमने कहा था कुछ अर्जेंट काम है। हाँ, कहा था मैंने कि आज एक अर्जेंट काम है, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। मेरी बाहों में कब आओगी जाने मन? हाँ, ज़्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, ये गार्डन है। अब मुझे मालूम है कि ये गार्डन है। हाँ अच्छा ये बताओ, तुम हमारी शादी की बात अपने पापा से कब करोगे? देखो, मेरे पिताजी के पास इतना वक्त नहीं है इन सब बातों के लिए। हाँ, मैं खुद ही बात कर लूंगा जाकर तुम्हारे पिताजी से शादी की। मुझे पता है गोपाल कि तुम नहीं आओगे। हे पिंकी, देखो मैं जरूर बात करूंगा, मैं जरूर बात करूंगा तुम्हारे पिताजी से। अरे छोटे जीजा जी, कैसन हैं आप? अरे ये निकिया है ना, बड़ा परेशान करता भाई। देखिए, कौन लड़की से हमारी शादी की बात कर रहा है, हैं? अब जीजा जी, शादी तो हमको करना ही करना है एक दिन, लड़की भी तनिक तनिक हमारे मन को भा रही है, तो किसी से कहिएगा नहीं? हाँ, ये अपनी मन की बात ना अपने मन के अंदर ही रखो, समझे? जब समय आएगा तो बाहर निकाल लेंगे। वैसे एक बात सुनो, उस लड़की को घर पर किसने बुलाया था? कमाल की बात करो जिज्जा जी, अगर शादी की बात हम कर रहे हैं तो हम ही लाए होंगे ना। तुमने देखो, दिमाग पर थोड़ा जोर डालो और सच सच बताओ, उस लड़की को घर पर किसने बुलाया था? हम बुला गए थे। वो कहाँ है? बुला गए थे? तेरी दिमाग पर जोर डालो और बताओ घर पर किसने बुलाया था? मारते गए जीजा जी, हम बता तो रहे हैं, जीजा जी लाए थे। जीजा जी लाए थे? हाँ। कराएंगे तुम्हारी शादी, कराएंगे हम। क्या है ना कि अब तुमने बताया कि जीजा जी उस लड़की को यहाँ पर लाए थे, ये बात सबको बताओगे ना? काहे नहीं बताएंगे। हाँ देखो, जीजा जी तुम्हारे तो
तुम्हारी दीदी को कितना बड़ा धोखा दे। देखो क्या कर रहे हैं तुम्हारे जीजा जी। क्या कर रहे हैं? अरे इस बात को तुम्हें दीदी को बताना चाहिए अपनी। पता है क्या कर रहे हैं? का तुम्हारे सामने हो रहा है सब कुछ जो भी हो रहा है। अरे बाहर की लड़की को घर पर बुला रहे, कितनी गलत बात कर रहे हैं। तुम्हारी दीदी को धोखा दे रहे हैं, धोखा। राम राम ना, ये तो बहुत गलत बात है। और तुम यहीं बैठे हो। अरे तुम्हारा फर्ज नहीं बनता है कि अपनी दीदी को इस बात के बारे में बताओ? बनता है। जिज्जा जी सही कह रहे हो, बिल्कुल बनता, हम बताएंगे। काहे बैठे हो ससुर के नाती, जाओ और बताओ अपनी दीदी को। हाँ खून उबल रहा है हमारा, हम बताएंगे आपको। बता, हम सबको बताएंगे। जिज्जा जी बहुत गलत कर रहे हैं, बिल्कुल बताओ। अरे अब उठो जाओ ना, बैठे हो जाओ। क्या हुआ, पगला गए का मार कह रहे हैं? आप ठीक हैं? आप चाय पीजिए, हम नाश्ता करके आते हैं, ठीक है? जय राम जी की। का आदमी है, का आदमी है ससुर का नाती। हे भगवान इसे सद्बुद्धि दे, इसके दिमाग की तारों को जोड़कर इसे सद्बुद्धि दे। सारे किए कराए प्रोग्राम को चौपट कर दिया इसने, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस बात के बारे में भाभी को तो बताना ही पड़ेगा, तभी कुछ होगा। ये रखो आप। आ गए यार? अब यहाँ खड़ा हूं तो आ गया हूं ना, पर नहीं आता था। अच्छा अब बैठने को भी नहीं बोलोगी तुम मुझे? नहीं बैठो। सब पता है मुझे, यहाँ जो अभी भी महाभारत हुई ना, सब पता है मुझे। तुम्हें क्या लगता है मैं पाखंडी हूँ? हैं? मैं एक नालायक बाप हूँ, नालायक बेटा हूँ और नालायक भाई हूँ? नहीं लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे मैं ऐसा थोड़ी ना कह रहा हूँ, ऐसा मेरा अपना खून, मेरा अपना खून, मेरा अपना भाई ये बात कह रहा है। पागल पागल पायल, गलती से स्लिप हो गया था। ऐसे बार बार स्लिप मत किया कीजिए, मुझे लगेगा आप जानबूझकर कर रहे हैं। नहीं नहीं अब नहीं होगा स्लिप, पता नहीं वो मेरे साथ किस जन्म का बदला ले रहा है और क्यों कर रहा है ऐसा। वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन अब लगता है उसे पूछना ही पड़ेगा। तुम उसे कुछ मत पूछना। क्यों क्यों, क्या पता वो तुम्हारे बारे में मुझे क्या क्या कह दे। हैं? हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर अब आप ही बताइए ना कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तुम कुछ मत करो। हाँ? हाँ तुम कुछ मत करो, कोई फायदा नहीं कुछ करके, तुम बस ऐसे ही रहना, चेंज मत करना। नहीं मैं तो कभी नहीं चेंज होंगे, लेकिन आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप कभी चेंज नहीं होंगे। मैं भी प्रॉमिस। जीजा जी, क्या हुआ जीजा जी, बोलती काहे बंद हो गई हैं? देख लो। अरे सागर, जीजा जी से ऐसे बात करते हैं तो? देखो दीदी कहा है कि बुरा तो हमको भी लग रहा है, लेकिन अब जौन बात हमको याद आ गई है ना, अगर हम उन्हें बताएंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो, तुमको सब कुछ याद आ गया क्या? और का? तो फिर चलो। कहाँ? वही जो कुछ याद आया बता रहे। अरे काहे बताएं? काहे मतलब क्या, तुम बताओगे नहीं हमको? नहीं तो किसको बताओगे? अरे दीदी को बताएंगे हम। हाँ तो बताओ ना, क्या बताना चाहते हो? अरे नहीं, तुम दीदी को कुछ नहीं बताना। दीदी का है कि जीजा जी है ना, क्या हुआ फिर हड़ताल हो गई यादाश्त में हमरे। अरे जब से शहर में आए दीदी सारी हम याद कर रहे हैं। एक मिनट जीजा जी। कुछ नहीं, ये सिर्फ इतना बताना चाहता है कि मैं इसे करोड़पति कैसे बना रहा था। हाँ अरे नहीं नहीं दीदी देखो। अरे क्या मजाक है भाई, जीजा। हाँ रिस्पेक्ट से बोले हैं। अच्छा आज याद आई तुझे रिस्पेक्ट। एक मिनट डालिंग, खड़े होंगे आप? हाँ खड़े। का है जीजा जी का? खड़े हो जा बैल। नहीं ऐसे थोड़ी। खड़े हो। अरे हमारे गांव में कहावत है, क्या? एक तरफ सारी खुदाई और एक तरफ बीबी का भाई। हम हाथ नहीं लगा सकते हमको आप। हाथ लगा भी नहीं, इधर आ तो आ, एक तरफ तो आ। हाँ जाना, माना नहीं मारेंगे। चल
अरे अगर वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है तो उस बेचारे को बोल लेने दीजिए ना। इसके बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसका मुंह बंद बहुत अच्छा लगता है और मैं भी इसे करोड़पति बनाने के जो तरीके बता रहा हूँ, बोल दे तो इसकी सारी किस्मत जो है खत्म हो जाएगी। चल तू आ जा। अरे कल तक जो जीजा साले के करोड़पति बनने के खिलाफ था, आज उसे खुद करोड़पति बना रहे। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। नहीं नहीं, हजम कैसे नहीं हुई, राम जी का दिल पसीज गया होगा, भले मानस है ना। और वैसे भी सागर भी कौन सा बुरा है, अच्छा है बेचारा भाई मेरा। हे भगवान, जीजा साले में हमेशा ऐसी दोस्ती बनाए रखना। चलो अंदर, चलो जीजा जी क्या कर रहे हो? चलो ना अंदर तो चलो। अरे छोड़ो तुम, गला गला दबा दोगे का? हाँ। इतनी जोर से दबा दिया पूरा गला दब गया। अरे हम आपके साले हैं, कोई चोर चक्के हैं का? हमने कब कहा कि तुम चोर चक्के हो, लेकिन एक बात बताओ। हाँ। कि अपने दीदी के पास क्यों गए थे? कहना जीजा जी, हम अपनी शादी की बात करने गए थे। अब शादी की बात? अच्छा। अरे जीजा जी, कहा घोड़े की तरह हिनहिना रहे हो? अबे हिनहिना नहीं रहा हूँ, हंस रहा हूँ तेरी बेवकूफी पर। अच्छा, हाँ, बिना बिजली के फ्यूज बल्ब, तेरा अपना तो कुछ ठिकाना है नहीं है, तेरा तो कभी कुछ पता चलता नहीं है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि तू शादी करके अपनी बीवी को संभालेगा कैसे। अरे जीजा जी, आप भी कहाँ पड़े हो चक्कर में आए। अरे हम शादी इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि हम उसको संभालें। तो किस लिए कर रहे हो? अरे शादी तो हम इसलिए कर रहे हैं कि शादी के बाद वो हमको संभाले। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। काहे काहे मुश्किल है भाई? अरे कौन सी लड़की कीचड़ में गिरना पसंद करेगी? अरे उसकी टेंशन आप मत लो, हमको कीचड़ में गिरने वाली मिल चुकी और कीचड़ में गिर भी चुकी है। अच्छा, कब कहाँ? अरे यहीं इसी घर में, और कहाँ। कौन? अरे वो हमको निकिया ने बताया कि हम गिरे थे लड़की के ऊपर और घर के सब लोगों ने हमको देखा। क्या बताया मिकी ने तुम्हें? वो नीचे थी और हम उसके ऊपर थे। तू किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा तू? अरे हम तो नताशा की बात कर रहे हैं। नताशा की बात कर रहे हैं तू? हाँ, हम उससे शादी करने जा रहे हैं। क्या? छी 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 छी, तो अपनी छोटी बहन जैसी लड़की से शादी करेगा? अरे जीजा जी, वैसे तो पूरा हिंदुस्तान हमारा रिश्तेदार है, तू शादी करी बात फिर? अरे तो ऐसे कैसे होगा? अब देखो जीजा जी, ऐसा है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, है ना, लड़की भी सर्व गुण संपन्न है, तो हम सोच रहे हैं कि कर ले। अच्छा, तो उसके बाप से मिला? नहीं। तो फिर तुझे कैसे मालूम कि वो बड़े अच्छे परिवार से है, सर्व गुण संपन्न है? जीजा जी का है, अब बनाना का आप ही को आता कि हमने बना सकते हैं का है? अब अपनी बहन जैसी लड़की को हमारी बहन बना दिया है? अब खैर छोड़िए, मुंह मत खुलवाइए हमारा, नहीं तो पता नहीं क्या क्या बोल जाएंगे। हम जा रहे हैं शुभ रात्रि। अरे अरे, ये कैसा आदमी है, अपनी छोटी बहन जैसी लड़की के साथ शादी कर रहा है? कहीं सचमुच कर ले तो मेरा क्या होगा? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? कुछ करना पड़ेगा। डन यस, ओके। क्या बात है ससुर जी, आज काफी आप मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, दरअसल बड़े दिनों के बाद इस फोन पर रॉन्ग नंबर की जगह राइट नंबर आया है। कैन यू बिलीव इट? पता किसका था? ट्रस्ट, जिनके नाम पर मैं ये प्रॉपर्टी करने वाला हूँ, उन्हीं लोगों का फोन था। व्हाट अ लक। सॉरी ससुर जी, शायद आप भूल रहे हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी तभी ट्रस्ट के नाम कर सकते हैं जब हम शर्मा जी के परिवार में देवरानी और छिछानी में झगड़ा ना लगवा पाए। रिमेम्बर? एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। क्या है कि तुम लोगों का ये प्रोग्रेस रिपोर्ट देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम दोनों उन दोनों को नहीं लड़वा पाओगी। लगा रे। जी तो पता है कि मैं गलत क्या कुछ भी बोलती है, आफ्टर ऑल ससुर जी पिताजी के समान होते हैं। एनीवेज मुझे लगता है कि अभी
शर्मा जी के घर में मुझे ही घुसना पड़ेगा। नहीं, मैं घुसूंगी। आइडिया मेरे दिमाग में आएगा तो मैं जाऊंगी, लेकिन मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं। क्या बात है, दोनों की मैं। मुझे बकरी ईद याद आ रही है, दोनों उस वक्त काम में आएंगे। कटा 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 रे। आजकल मुझे घर का वातावरण कुछ ठीक नहीं लगता है। अच्छा, अरे हाँ, आज मैंने घर के बाहर काले कौवे को ना काए काए करता देखा था। हे भगवान, काला कौवा जब काए काए करता है ना, उसका मतलब कोई घर में मेहमान आता है। वातावरण से कुछ लेना देना नहीं उसका। अच्छा, हमारे घर में मेहमान कहाँ से आएंगे? क्यों, मेहमान नहीं आएंगे? बेटा शर्मिली, कैसी है तू? अरे इनका नाम शर्मिली नहीं है, ये मिसेज शर्मा है, मौसी। अरे वही बेटा, वही मिसेज शर्मा, मतलब शर्मिली। वो इतनी सी तो मैं कभी भी नहीं थी। अरे हाँ मिसेज शर्मा, मैंने भी कभी आपको इतना नहीं देखा। अरे बेटा, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। मैं तो तुम्हारे बच्चों का संसार देखने आई हूँ। मुझे बचपन में ज्योतिष ने बताया था कि तुम्हारे परिवार में देवरानी जटानी में बहुत झगड़ा होगा, जो मैं गई नहीं। आपके बचपन में? मेरे बचपन में नहीं, इसके बचपन में। वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन आप हैं कौन? हैं कौन?